शाहरुख खान सर वहाँ का डोसा खाते थे अपने शूट्स के टाइम पे। अभी खाते भाई बहुत भूख लग रही है। अमिताभ सर का बंगलो है यहाँ पे, देखो मेरे पीछे देखो फेमस। गुड मॉर्निंग। तो आज भी काफ़ी लेट हो गया उठते उठते, मतलब इतना लेट कि कितने बज गए, 1 बजने आ गए ऑलमोस्ट, 12:48 हो रहे, दिख रहा नहीं होगा बराबर से। रात में नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों 4-5 बजे तक ऐसी जाग रहे हो, 4-5 या कभी कभी 6-7 भी बज जाते हैं ऐसी, मोबाइल भी नहीं हाथ में, कुछ भी नहीं, फिर भी नींद ही नहीं आती। आप लोगों के साथ होता है क्या कभी ऐसा? आजकल की यंग जनरेशन के साथ बहुत सुनने में आ रहा है ऐसा, रात में नींद ही नहीं आ रही है, फिर सुबह में देर देर तक सो रहे, कुछ काम नहीं हो कर पा रहा है। तो चलो आगे कार्यक्रम समझते। तो भाई अभी खाना वगैरह खा के हो चुका है, अभी मुंबई जाने का सोच रहे हैं, ऐसी गेड़ी मार रहे हैं ज़िंदगी में और रखा ही क्या है। तो अभी चीनी वगैरह करके निकलते हैं। और देखो ये मेरे पीछे बुड्ढा खड़ा है, ये दिन रात अभी तारक मेहता देखते रहते। ए बुड्ढे बुड्ढे हाँ यार, अभी दूसरी ना बुड्ढा पीछे चुक गया भाई, बुड्ढा पीछे चुक गया। अरे बुड्ढे सही से इधर दे, नाम क्या तेरा बता बुड्ढे, अबे नाम बता बुड्ढे। तेरे को बुड्ढा क्यों बोलते बता, क्योंकि तेरे को तारक मेहता के बापू जी ऐसा रिक्वेस्ट के लिए ना, अरे घूम रहा क्यों है। अभी देखो एक जादू बताता आप लोग, तो भाई अभी निकल गया हूँ, मेरे को निकलने का था कुछ 4-4:30 बजे और बजे देखो कितने उल्टा दिख रहा है, 5:22 हो गए ऑलमोस्ट, 5:30 होने आ गए। तो यहाँ से जा रहा हूँ मुंबई, अकेले ही जा रहा हूँ वैसे तो, अभी तो कोई है नहीं साथ में, कहाँ जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ उसका तो आइडिया है नहीं, बस निकल गया हूँ। तो अभी मुंबई स्टेशन तो आ गया हूँ और यहाँ से आज कुछ अलग करता है, एसी लोकल से ट्रैवल करके देखते हैं। बस 1 मिनट से मिस हो गया, जस्ट पहुँचा और एसी लोकल आ गई है। देखो ये अमरनाथ जाने वाले हैं ये, और मेरे को वहाँ पे जाने का दादर साइड जाने का था, तो 8 बजे की, तो यहाँ कौन रुकेगा उसमें, फिर कभी बैठ जाएंगे और क्या। ये टाइम पर निकलने का एक ही बेनिफिट रहता है, ट्रेन वो भी खाली मिलती है, आजू बाजू में कोई नहीं होना है, सुबह के टाइम पर आएंगे तो वहाँ लग जाती है भाई। दादर का ये मंजर देखो भाई, इधर पे इतना क्राउड रहता है भाई, लेडीज़ में जाओ क्या जेंट्स में जाओ दोनों भी सेम रहते हैं। तो दादा से ट्रेन चेंज करके मैं खार में आया हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ मंजू डोसा सेंटर, बोला था ना मुंबई में कुछ ना कुछ तो कंटेंट मिल ही जाता है। तो शाहरुख सर अपने शाहरुख खान सर वहाँ का डोसा खाते थे अपने शूट्स के टाइम पे, तो वहीं पर जाके अपन जाके ट्राई करते कैसा लगता है डोसा। ये ईस्ट और वेस्ट दोनों ना बहुत दिक्कत होती है, अब समझ में भी नहीं आ रहा किधर है वो। तो अभी मैं खार वेस्ट से बाहर निकला हूँ और यहाँ से 1.6 किलोमीटर कुछ बता रहा है लगना, रिक्शा वगैरह करने मगजमारी करने से अच्छा पैदल ही चले जाते, थोड़ा बहुत कुछ देखने ही मिल रहा है। खार में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मतलब ऐसा आ चुका हूँ बट ऐसा प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं किया, तो यहाँ पे भी देखते हैं अगर कुछ अनोखे चीज़ मिल गई तो, ऐसे भी कंटेंट ही ढूंढना है। अरे मेरी हुडी देखो, इस पर लिखा है अपनी पूरी ऐश जेब में रखा कैश है, ये हज बनीवाल का मर्चेंडाइज है भाई, क्या कपड़ा था इसका मर्चेंडाइज का, तो काफ़ी टाइम हो गया लेके बट आज भी क्वालिटी बहुत अच्छी। यहाँ की सोसाइटी देखो भाई क्या है यार, लेंगे कभी अपन भी इंशाल्लाह साथ मुंबई में घर, वन ऑफ माई ड्रीम, कमेंट में इंशाल्लाह लिखो, बाकी सपने देखते रहना चाहिए, पूरे हो ना हो वो बात की बात है, मेहनत करना अपना काम है और क्या। यहाँ से मैं चलते हुए जा रहा था और भाई इतना कॉर्नर में कि दिखाई नहीं है, देखो कहाँ गया ये रहा, जाके अभी खा के देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट। देखो ये मेन्यू है यहाँ का, ये भी है और ये भी है भाई, नमक ठंडा अभी खाते भाई बहुत भूख लग रही। भाई अभी डोसा खाया, अभी निकल गया वहाँ से, सोच रहा कुछ यूलू वगैरह राइड कर दूँ, यहाँ पे बहुत यूलू दिख रही है, और अभी 5 स्टार खा रहा हूँ और फिर वहाँ से जू बीच वगैरह जाने का प्लान है। प्लान क्या, अकेला ही कहीं भी निकल जाओ और क्या भाई, क्या बेहतरीन डोसा था। पर अगर किसी को आने का है तो खार वेस्ट में उतर के भाई, वॉकिंग डिस्टेंस ही 1.6 किलोमीटर है, 5 to 10 मिनट लगता है पैदल। वो लोग ने वीडियो बनाने मना किए थे, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया वहाँ का, पर क्या डोसा था यार, चीज़ ज़्यादा ना, ऐसा लगा मेरा रात का खाना यहीं पर हो गया। तो अभी रिक्शा में बैठा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ जुहू बीच, रिक्शा इसके लिए मैंने 3 किलोमीटर बता रहा था, वहाँ पे देखते हैं क्या करने मिलता है, घूमेंगे रात भर और क्या, मुंबई अपना ही है। और ये देखो खार मार्केट, अकेले ट्रैवल करने का पता नहीं कि मज़ा ही कुछ अलग आता है, तो लाइक करो जितने भी सोलो ट्रैवलर्स हैं। आ गया भाई जुहू बीच पे, बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, क्या ही मस्त लग रहा है, पीछे देखो भाई दिखेगा नहीं, नज़दीक जाके बता रहा हूँ तुम्हारे को, बहुत सुकून लगता है भाई ऐसा, थोड़ा सुबह सुबह के टाइम पे आना चाहिए था और मस्त लगा होता, पर खैर अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा सोलो ट्रिप करते रहना चाहिए ना, एकदम सूदिंग रहता है, माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। और कचरा देखो भाई क्या है इधर, तो गलत यार, पर ये देखो कचरा देखो कितना करके रख दिया यार यहाँ पर।
नहाते हो तो क्लीन रखने का, अपना कचरा साथ में लेके जाने होता है क्या लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता है। और ये मेरे पीछे देखो, यहाँ पे सब लाइन से रेस्टोरेंट है, पर हम तो खाएंगे नहीं क्योंकि डोसा खा चुके और पेट फुल टाइट है। मारा भी ओ, ओ। इसमें जरा हाई बोल, अरे इधर आ। सामने समुंदर और हाथ में चाय, कॉम्बिनेशन है कुछ डेडली है। अलग ही सुकून लगता है भाई, मस्त शांति से आके बैठने का अपना अकेले। कभी ट्राई करना आप लोग भी, कभी सोलो आके ट्राई करना, बहुत सुकून लगता है सही में। तो यहाँ पे तो बैठ के हो गया है, अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो मेरे पीछे देखो, लाइन से तक शॉप्स। यहाँ पर सब पाव भाजी वगैरह, दही पूड़ी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलती खाने की। अभी जा रहा हूँ मैं यूलू चलाने, अगर मिलती है तो। फिर जाते हैं अमिताभ बच्चन सर के घर के पास, जाके आते हैं। ऐसी कैसे बेचारे इसके अंदर घर बना के सोते हैं, देखो इसके अंदर सब सो रहे होते। इसीलिए ऑलवेज थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। और चलते चलते दिख गया है स्टारबक्स, तो जाके पीते अंदर कुछ। अभी आया हूँ मैं यहाँ से स्टारबक्स में, जावाची ऑर्डर किया हूँ, ये पीते और निकलते फिर यहाँ से। अंदर पीने मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने देखो हाथ में ले लिया। और ये देखो मेरे पीछे देखो, फेमस JW मैरियट होटल है, शायद आप लोग को तो मोस्टली लोग को तो पता ही होगा। मेरे पीछे अमिताभ सर का बंगलो है, यहाँ पर देखो ये अमिताभ सर का बंगलो है। तो यहाँ पे वो संडे दर्शन करने आते हैं, बट आज तो क्या है, ट्यूजडे। पर कुछ भी बोलो, शाहरुख खान के घर के बाहर जो क्राउड रहता ना, वो मैंने शायद ही कहीं देखा रहूँगा। हर दिन जाओ कुछ कोई ना कोई एक आध बंदा तो रात के 2 बजे भी मिलेगा ही कोई ना कोई इधर पे। वो फ्रेम से सीधा ये फ्रेम में देखो, अभी आया हूँ बाबा फालूदा। मेरे भाई का असल में कॉल आया कि वो अंधेरी आया है, तो बोले कि साथ में ही निकलते फिर, उसके लिए भी बाबा फालूदा में आइसक्रीम खा ले, फालूदा नहीं। तब यहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए। ये तो जगह थी बंटा जिधर वो पुलिस पकड़ा था, तेरे फोन पे बात करा था ना मैं। अच्छा हाँ, तो ये शॉर्ट बात मेरे को बोलता था हैंड फ्री पे बात, अरे हैंड फ्री तो ये लगाया हो ना, मोबाइल पे कान पे लगाया हो, कार में जो है आवाज उसमें बात कर रहा, बोलते नहीं फिर भी माइंड डाइवर्ट होता है। चलो ठीक है सर, अभी पुलिस वाले की बात हो रही थी। और अभी हम लोग बाबा फालूदा से फालूदा पी के निकल गए। और ये अपने रेहान भाई जो अंधेरी में आए थे, काम से आया था वो, तो जाते टाइम बोला साथ में ही निकल जाते फिर उमरा के लिए। तो अभी खा पी के हो गया, अभी निकल गए हम लोग उमरा जाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, और जो दिल में आए वो करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इंस्टाग्राम पे देखो फॉलो तो करने बोल, इंस्टाग्राम पे मेरे को भी फॉलो करो चोगले अंडरस्कोर वर्स, और इसको भी फॉलो करो। तेरा क्या है? रेहान चोगले, रेहान चोगले आगे पे भी, रेहान चोगले सब जगह, रेहान चोगले।